नमस्ते भाइयों, मेरा नाम चंद्रशेखर, मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय चंद्रशेखर भाई। हाय चंद्रशेखर भाई। हाय एवरीवन, परमेश्वर की कृपा, आप सबकी मदद और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों के वजह से आज का दिन दारू के घातक घोल से दूर हूँ और बहुत खुश हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आत्मशांति ए ग्रुप बिहार ग्रुप्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी या संधि दी आपके साथ आके बात करने की। दोस्तों, मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी है 7 जुलाई 2010। मैंने एक होम ग्रुप लिया है, मुंबई में रहता था तब रहता हूँ तब होम ग्रुप मेरा होली फैमिली ग्रुप है, और सिंगापुर में रहता हूँ तो YPG ग्रुप सिंगापुर मेरा होम ग्रुप है। मैंने एक स्पॉन्सर लिया है, मेरे स्पॉन्सर का नाम राज करत है, उनके भी एक स्पॉन्सर है, उनके स्पॉन्सर का नाम लेट रिची फर्नांडिस था, और मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ स्टेप्स 1-9 टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैंने की है। मैं कोशिश जारी रखता हूं कि मैं स्टेप 10 और स्टेप 11 में रहूं डेली, यानी निरीक्षण, इन्वेंटरी, प्रार्थना, ध्यान में रहूं, और वीकेंड को मैं स्पॉन्सीज के साथ स्टेप 12 यानी 12वीं पायरी करता हूं, जो हमारे कार्यक्रम का पास इट ऑन स्टेप है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं ठीक है, आप सुनिए, पर अगर मैं जो भी बोलूं, हमारे अनामिक मद्यपी अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिग बुक में अगर आपको नहीं मिला तो प्लीज आप उसको फेंक दे सकते हैं, आप उसको भूल जा सकते हैं। पर अगर मैं जो भी बोलूं अगर बुक में है तो इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है। मेरे 11-12 साल सोब्राइटी के अंदर मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो पागल हो गए या फिर मर चुके हैं, और मनुष्य का इतिहास बोलता है कि राजा, महाराजा, प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े महारथी रम रमा और रमाबाई, रम रमी और रमाबाई, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स, इसमें पूरे वेस्ट हो चुके हैं और उनका कोई इससे बाहर नहीं निकला है इसी तरह से। तो अगर मैं जो भी बोलूं बुक में मिले, प्लीज इस पे आप अमल करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और एक चीज ये है कि मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं है, थोड़ी बम्बैया है, तो वो रिस्पेक्ट के साथ बाहर नहीं निकलती है, थोड़ा फिल्मी हिंदी है मेरी, काफी हिंदी पिक्चर देखा है मैंने जब छोटा था, तो थोड़ा हिंदी मेरा रूड निकले तो प्लीज आप माफ कर दो, ये इंटेंशन नहीं है हमारा, थोड़ा अरे तुरे ऐसा चलता है। अच्छा, टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज है, संपूर्ण व्यक्तिमत्व में बदलाव। आज का दैनिक चिंतन बहुत अच्छी तरह से बोलता है, अल्कोहल जो है हमको पागलपन या मौत की तरफ लेके जाने वाला है, उससे बाहर निकलना, यानी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस और एक्शन। विलिंगनेस और एक्शन का मतलब क्या है और किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, किसके ऊपर एक्शन करना है, क्या करना है, वो एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं।
हमारे बीच में रणदीप भाई है, रणदीप भाई आते रहो, कुछ संकोच, कुछ डाउट या संकोच मत रखो प्लीज। मेरा भी हिस्ट्री शायद आप ही की तरह है, वो भी नया भाई हो, शायद आपको मैं जो बोलने वाला हूँ इजीली अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिजीज क्या है वो सब हम कवर नहीं करने वाले हैं, संक्षेप में कवर करने वाले हैं, पर आपके सब उत्तर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक में मिलेंगे आपको। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक स्पॉन्सर लीजिए जो आपको ये बिग बुक और स्टेप्स के तरह लेके जा सकें, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पर अभी इस वक्त खाली आप आते रहो। एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम को मलेरिया होता है या कोई डिजीज होता है तो हम बोलते नहीं यार बहुत दुख रहा है, सर फट रहा है, यू नो बुखार आ रहा है, शिवरिंग आ रहा है, ये हो रहा है, कांपना हो रहा है, उल्टी हो रही है, ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है। खाली हमको गौर करने का है कि करना क्या है। अरे चंद्रशेखर उठ, डॉक्टर के पास जा, ये गोली ले, ये मेडिकेशन ले। मोर देन डिस्क्राइबिंग सिम्टम्स बहुत जरूरी है कि जानना इससे बाहर कैसे निकलना, और वही हमारा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल। करने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा बोरोड प्रोग्राम है, ओके। ये जो प्रोग्राम हमारा मिला है ये हमने तीन जगह से बोरो किया हुआ प्रोग्राम है, यानी उस बिल डब्ल्यू के पहले ए ऐसा नहीं था, 1935 के पहले ए ऐसा कुछ था नहीं। बिल डब्ल्यू रिहैब में था, चार पांच बार रिहैब गया, डॉक्टर्स को मिला, वहां पे उनके उनका संपर्क एक डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से मिला था। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको तीन चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, यानी उपाय क्या है, और वो सॉल्यूशन को कैसे अमल में लाने का, हाउ टू वर्क दैट सॉल्यूशन। तो हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ये हमने हमको विलियम डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से मिला था, जो 50,000 अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स को ट्रीट किए थे, और वो प्रॉब्लम इज अल्कोहलिज्म, यानी मेंटल ऑब्सेशन रहता है और फिजिकल एलर्जी रहता है अल्कोहल के प्रति। और ये इतना पावरफुल रहता है कि अल्कोहलिक उस कैची में फंस जाता है, और उस कैची में फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल सकता है। चाहते हुए वो अल्कोहल रुका नहीं सकता है, और जब पीते वक्त वो कंट्रोल में पी नहीं सकता। अभी मानो एक उदाहरण, 2010 अर्ली में मेरे को ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़ा था पुलिस ने, फुल टाइट था, मेरी गाड़ी सीज की गई थी, मेरा लाइसेंस सीज किया गया था, और मैंने ठान ली थी कि अभी आज से दारू बंद। पुलिस स्टेशन में बिठाया था, वहां से कोर्ट लेके गया था, कुछ ये बेल का ये था, तब उतना स्ट्रिक्ट नहीं था रूल्स। बेल वेल के बाद सब कुछ होने के बाद मैं ऑटो पकड़ के घर पे आ रहा था बीवी के साथ, वो परेशान मैं परेशान। मैं सीधा बीवी को देखा और बोला आज ना दो पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे और इज्जत से सो जाएंगे। अरे तेरे को 3 घंटे पहले क्या हुआ था मालूम नहीं, किधर किधर तू पहुंचा था, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, और इन सब होने के बाद पूरा ठान ली थी कि आज से दारू बंद। मेरा मन मेरे को खुद परमिशन दिया कि आज ना दो पैगी पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो गए। ये प्रॉब्लम है कि कैची में फंसना, कैची में अगर फंस गए तो बार बार हम लोग वही चीज करते हैं और सोचते हैं कि नतीजा अलग रहेगा।
doing the same things again and again while expecting different results is called insanity, पागलपन. अगर मानो मैं वापस वापस जलते हुए स्टोव पे हाथ डाला और जला, अरे जल गया, और बार बार मैं 18 साल जाके आज ना नहीं जलेगा, आज ना नहीं जलेगा, वापस वापस हाथ डालने को गया, तो लोग बोलेंगे चंद्रशेखर पागल हो गया है, क्योंकि वो बार बार वही चीज कर रहा है और सोच रहा है कि नतीजा अलग रहेगा. 5 साल का था, हाथ जल गया था मेरा, तो कभी स्टोव पे हाथ डालने को गया नहीं, वो डिफेंस मैकेनिज्म आ गया. पर दारू के प्रति, मेरे को दारू ने 18 साल जलाया तो भी मेरे मन में परमिशन आता था, आज ना, इज्जत से 2 पैक पियेंगे, दारू खाएंगे और सो जाएंगे. ये प्रॉब्लम है, यू कैनॉट क्विट एंड यू कैनॉट कंट्रोल. चाहते हुए भी आप क्विट नहीं कर सकते. ये हमको प्रॉब्लम डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से मिला था. अभी सॉल्यूशन क्या है इसका? 1935 के पहले हर एक जोड़ा मर जाता था या फिर पागल हो गया या हॉस्पिटल में बंद करके रखते थे. उसका सॉल्यूशन हमको एक्चुअली 1930s में एक साइकियाट्रिस्ट कार्ल गुस्ताव यंग ने दिया था. उसका भी एक स्टोरी है जो हमारे बिग बुक में है, पेज 26-27 में वो स्टोरी है इंग्लिश बिग बुक में. मैं संक्षेप में बता देता हूँ. एक सेनेटर का सन था, यानी एक बड़े आदमी का, बहुत बहुत स्मार्ट, बहुत चार्मिंग सन था. उसका नाम था रॉलैंड हिच. वो यूएसए में रहता था. रोलैंड हिच का पर्सनालिटी बहुत अच्छा था, बहुत स्मार्ट आदमी था, अच्छा बिजनेसमैन था, पर खाली उसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम था. और वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इतना बढ़ता गया कि वो फंक्शन नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया. तो पहले एक बड़े साइकियाट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉयड को मिलने गया यूएसए में. सिगमंड फ्रॉयड बोला अल्कोहलिक्स के लिए मेरे को टाइम नहीं है. वो फिर थॉमस एटलर को मिलने गया यूएसए में, तो वो टाइम के महारथी थे साइकियाट्रिस्ट में. थॉमस एटलर बोला मेरे पास भी टाइम नहीं है. तो वो फ्लाइट पकड़ के फ्रॉम यूएसए टू यूरोप आया, स्विट्जरलैंड में कार्ल गुस्ताव यंग से मिला. कार्ल गुस्ताव यंग ने साइकियाट्रिस्ट उनको देखा और बोला आप क्यों ना थोड़े महीने, 11 महीने मेरे हॉस्पिटल में या रिहैब टाइप में रहो, मैं आपको ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ, आपको कुछ कुछ सिखाता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता. वो 11 महीना कार्ल गुस्ताव यंग के साथ स्विट्जरलैंड में रहा. ये 1930s की बात कर रहा हूँ. और वहां पे रह के उनको लगा कि अभी इसके बाद दारू पीना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे को इतना मेरे मन के बारे में, मेरे तन के बारे में, मेरे पूरा साइकोलॉजी के बारे में कितना सीखने को मिला कि दारू पीना तो इम्पॉसिबल है, मैं तो नहीं पीने वाला. और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वापस यूएसए में आ गया. चंद महीनों में वो फुल टाइट होके वापस वही साइकिल में बस गया. और वो वापस स्विट्जरलैंड में आके डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर कैन यू टेल मी द ट्रूथ, आप मेरे को सच्चाई बोल सकते हैं. कार्ल गुस्ताव यंग ने उनको बोला मैं देखना चाहता हूं कि आप असली बेवड़ा हो या नहीं, और अगर आप असली बेवड़ा हो तो आपको कोई होप नहीं, मैंने एक भी व्यक्ति को सुधरते हुए नहीं देखा है, एक भी व्यक्ति को सुधरते हुए नहीं देखा है अगर आप असली बेवड़ा हो. तो पूरा डिप्रेशन में चला गया वहीं पे. वो बोला डॉक्टर एक तो चांस दो, कुछ तो बोलो. कार्ल गुस्ताव यंग ने बोला ये साइकियाट्री के बाहर है, मेडिकल के बाहर है, पर एक उपाय है. बोला यहां वहां मैंने पढ़ा है. कार्ल गुस्ताव यंग बहुत सारे बुक्स पढ़ता था वो टाइम पे, वेदांत के बुक्स पढ़ता था,
उन्होंने विलियम जेम्स का वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस पढ़ा था। उन्होंने बोला कि मैंने देखा है कि अगर आपको एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा या फिर साइकिक चेंज मिलेगा ना, तो आप इससे निकल सकते हैं, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो रोलैंड हैज़र्ड बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ मैं कर सकता हूं, मैं तो चर्च का मेंबर हूं, बहुत कुछ करता हूं, बहुत रिलीजियस हूं। डॉक्टर ने बोला, नहीं नहीं ये चर्च और मंदिर ये सब का सवाल है नहीं इसमें, आपको एक आध्यात्मिक अनुभव चाहिए जिसका मानो ऐसा है कि आपका ब्रेन सर्जरी हो गया, यानी कि ये ह्यूज इमोशनल डिस्प्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट, आपके मन में बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट और रीअरेंजमेंट होंगे, आपके जो आइडिया थे, इमोशंस थे, आपके जो एटीट्यूड थे जिससे आप जीवन जी रहे हैं वो कंप्लीटली दूर हो जाएंगे और दूसरे आइडिया, इमोशन, एटीट्यूड आपके ब्रेन में आ जाएंगे। मानो आपको एक नया दिमाग ही आ जाएगा, उसको बोलते हैं साइकिक चेंज और वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और जैसे आपको ये नया साइकिक चेंज आ जाएगा, आपका पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखो हाँ, तो प्रॉब्लम किसने दिया था हमको? प्रॉब्लम का डेफिनेशन हमको दिया था डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। उन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ फिजिकल एलर्जी यू कैनॉट कंट्रोल, बिकॉज ऑफ मेंटल ऑब्सेशन यू कैनॉट क्विट। और उन्होंने कहा कि मेडिकल में कोई उपाय नहीं है इसमें, तो मेडिकल डॉक्टर थे। फिर हमको सॉल्यूशन किसने दिया? कार्ल गुस्ताव यंग। वो बोला कि साइकियाट्री का कोई उपाय नहीं है इसमें, आपको एक आध्यात्मिक अनुभव चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव ऐसा हो कि आपके ब्रेन में ह्यूज साइकिक शिफ्ट हो जाएगा और आपका पर्सनालिटी बदल जाएगा। तो रोलैंड हैज़र्ड बोलता है, अच्छा देखेंगे कैसा पर्सनालिटी चेंज हो गए, कैसा साइकिक चेंज, आध्यात्मिक अनुभव कहाँ मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, वो टाइम के जमाने में एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑक्सफोर्ड ग्रुप यानी मानो, मैं खाली रिलीजन के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, पर वो एक जीसस क्राइस्ट जिन्होंने बाइबल में सिखाया था उसके फर्स्ट सेंचुरी, जो जीसस के मुंह बोली थे, उनके स्टेप्स पढ़ते थे। और वो नॉर्मल लोगों के लिए कार्यक्रम था, अल्कोहलिक्स के लिए कार्यक्रम नहीं था। मानो कि यहाँ अपना आर्ट ऑफ लिविंग चलता है श्री श्री रविशंकर से, या फिर सदगुरु का ईशा फाउंडेशन चलता है, जो नॉर्मल लोग जाते हैं वो भगवान के नजदीक फील होता है और उनका लाइफ बदल जाता है। वैसा एक प्रोग्राम फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी टेनेट्स को फॉलो करते थे। हमारा ये क्रिश्चियन प्रोग्राम नहीं है, पर अल्टीमेटली सेम, ये जो आपको सर्मन ऑन द माउंट बाइबल, बुद्धिज्म एट फोल्ड पाथ, भगवद गीता, ये सेम 12 स्टेप्स, ये सब सेम कार्यक्रम एक्चुअली है, उसका एक्सपीरियंस सेम है। तो हाउ टू वर्क द सॉल्यूशन, तब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 6 पायरी हुआ करते थे, 6 स्टेप्स। तो रोलैंड हैज़र्ड वहां पे 6 स्टेप्स का किया, उनको एक प्रोफाउंड साइकिक चेंज हो गया, उनको आध्यात्मिक अनुभव मिला, उनका पर्सनालिटी बदल गया और वो पूरा लाइफ अल्कोहलिक्स को हेल्प करने में रहे। उन्होंने मैसेज दिया एबी थैचर को, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का। एबी थैचर ने मैसेज दिया बिल डब्ल्यू को, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के स्टेप्स के दरमियान सोबर हुए। बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को दिया और 4 साल में ऐसे 100 से अधिक पुरुष व स्त्री थे बाय 1939,
जिनका अध्यात्मिक अनुभव हो चुका था ऑक्सफर्ड ग्रुप के स्टेप्स के दरमियान, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम किताब लिखे एक जो एक एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल आध्यात्मिक अनुभव कैसे होता है बेवड़ों के लिए, उसका मार्ग एग्जैक्टली कैसे लिखे हम। तो 1939 में ये 100 बेवड़ों ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो ये कार्यक्रम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, इट इज द बुक Alcoholics Anonymous, meetings, fellowship, groups, उसके बाद आए, काफी सालों बाद आए जब वो मिलने लगे। मीटिंग्स बहुत जरूरी है क्योंकि वो फर्स्ट गेटवे रहता है न्यूकमर के लिए, पर ये प्रोग्राम का सोर्स, ये प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये प्रोग्राम का आध्यात्मिक अनुभव कैसे होता है उसका उपाय जो एक्शन में डालना है, उसका सोर्स इज द बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो तीन चीजें डिस्कस किया हमने, व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन बाय विलियम डी सिल्कवर्थ, व्हाट इज द सॉल्यूशन गिवन बाय कार्ल गुस्ताव यंग, एंड हाउ टू वर्क द सॉल्यूशन गिवन बाय सिक्स स्टेप्स ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑक्सफर्ड ग्रुप नॉर्मल लोगों के लिए था, इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाज मेंट स्पेसिफिकली फॉर बेवड़ा। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, वो 6 पायरी 12 पायरी हो गए क्योंकि हमको बहुत इजी वे चालू होना था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा तो बेवड़े को समझता नहीं। दूसरा चीज था कि बेवड़े खाली क्रिश्चियन नहीं रहते हैं, सब रिलीजन के रहते हैं, औरत स्त्री पुरुष यू नो टीनेजर सब कुछ रहते हैं इसमें, तो पूरा इंक्लूसिव किया प्रोग्राम और उन्होंने किताब लिखी। 1939 में जब किताब अल्कोहलिक्स एनोनिमस किताब लिखी थी, खाली 100 बेवड़े सोबर हो चुके थे। 1939 टू 1940 5,000 कॉपी पब्लिश हुए, 8,000 लोग रिकवर हो गए। इसको बोलते हैं होलसेल मिरेकल, भरदोल में चमत्कार हो गया। फिर 1955 में और एक काउंट लिया था तो कुछ 1,50,000 लोग सोबर हो गए। 1970s में काउंट लिया गया था तो करीब 10,00,000 लोग सोबर हो गए थे अक्रॉस 150 कंट्रीज। आज अगर काउंट लेते हैं तो 40,00,000 मेंबर हमारे सोबर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। तो उनको क्या मिला है, उनको एक ही चीज मिला है, आध्यात्मिक अनुभव। उसके दरमियान उनका साइकिक चेंज हो चुका है और उनका प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज हो चुका है। यानी संपूर्ण व्यक्तिमत्व से बदलाव। अभी हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, पेज 44 बिग बुक में लिखा है कि यदि आप चाहते हुए भी दारू बंद नहीं कर सकते या पीते वक्त कंट्रोल में पी नहीं सकते तो आप अल्कोहलिक है, संभवतः अल्कोहलिक है। संभवतः क्यों बोलता है, आप डिसाइड करो भाई, आप चाहते हुए पी सकते हैं क्या, यानी आपने ठानी कि मैं आज से दारू बंद, कितने बार बोला है, तो भी दारू जाके पीता है ना, दारू ने इतना जलाया इतना प्रॉब्लम किया तो भी दारू जाके पीता है, क्या हम पागल है। दूसरा, हम जितना नक्की करते हैं कि एक ही क्वार्टर मारेंगे या फिर दो ही पेग मारेंगे तो भी कंट्रोल में होता नहीं है। मेरे मन में रहता है कि आज ना दारू पियेंगे, एक फुल खंबा ठोकेंगे, फिर गाड़ी किधर ठोकेंगे, फिर आके टीवी फोड़ेंगे, फिर बटुआ को लूज करेंगे, रास्ते पे फाइट करेंगे, बार वाले के साथ झगड़ा करेंगे और दूसरे को कुछ यहाँ वहां जाएंगे और मोहल्ले में बवाल करेंगे। ऐसा किसी का प्लान रहता है क्या, नहीं रहता है। हमारा मन क्या बोलता है, दो पैक पियेंगे एग्जिस्ट हो जाएंगे,
और वो पूरा तांडव होने के बाद अगले दिन घंटी कैसे बजती है? आज ना कल के जैसा नहीं होएगा, आज दो पैक पिएंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे। वो हमारा ही मन हमको परमिशन कैसे देता है? आज ना जलते हुए स्टोव पे हाथ डाल के कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। उसका नेक्स्ट सेंटेंस बिगनिंग में लिखा है, यदि ऐसी परिस्थिति है कि आप अल्कोहल यदि हो तो आप एक आजार के अधीन हो चुके हैं जिसका केवल आध्यात्मिक अनुभव आपको सुरक्षित कर सकते, आपको ठीक कर सकते, केवल आध्यात्मिक अनुभव और कुछ नहीं। तो आपको अभी क्या चाहिए? आध्यात्मिक अनुभव चाहिए। बिग बुक का पहले पेज पे लिखा है, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन, टू शो अदर एल्कोहलिक्स प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। यानी ये बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरे मध्य पीड़ितों को बताना कि इसका एग्जैक्ट मार्ग क्या है। तो आप एग्जैक्ट मार्ग करोगे तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। इसका गारंटी है क्या? वो गारंटी में भी बिग बुक में दिया है। रोज पढ़ते हैं हम, Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. ये मार्ग को अपनाओ और आप फेल नहीं हो जाए। बारहवीं पायरी कहती है कि इन कदमों के आचरण में लाने से हमें आध्यात्मिक अनुभव मिल गया। सनी बोलते कि 90 days, 90 meetings करो तो आध्यात्मिक अनुभव हो गया, या फिर अल्कोहलिक से बात करो तो आध्यात्मिक अनुभव हो गया, या अच्छा मंदिर में रोज जाके आध्यात्मिक अनुभव हो गया, या फिर पूरा इंजीनियरिंग पढ़ के ये करके जिम विम जाके मेरा आध्यात्मिक अनुभव हो गया। ये नहीं, आप पायरी लो, स्टेप्स लो, अपने एक रिजल्ट आएगा, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक अनुभव। ये गारंटी देता है बिग बुक। तो ये मार्ग क्या है दोस्तों? तो इस पे अमल करने की, रिफ्लेक्ट करने की इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज क्या है, ये जानना जरूरी है। क्या प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज कैसे लाने का, ये जानना जरूरी है। अगर हमको बाय चांस किसी को कैंसर हो तो रिकवरी में क्या होता है वो जानना जरूरी है, या रिकवरी का स्टेप्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो संपूर्ण व्यक्तिमत्व में बदलाव कैसे लाने का, उसका क्या मार्ग है। अभी हमारा बिग बुक का पहला चैप्टर है डॉक्टर्स ओपिनियन। डॉक्टर का एक ओपिनियन दिया है, क्योंकि बिग बुक के पहला चैप्टर अगर बेवड़े का मत ऐसा चैप्टर रहता तो कोई पढ़ता नहीं था। तो विलियम डी सिल्कवर्थ का पूरा एक ओपिनियन दिया है या प्रिस्क्रिप्शन दिया है, और वहां पे डॉक्टर ने बोला है कि बेवड़ा बंद क्यों नहीं कर सकता है मालूम है दारू, क्योंकि तीन चीजें हैं। पहला तो ही इज मैल एडजस्टेड टू लाइफ, उसका लाइफ के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, यानी उसको जीवन का सूर मिला ही नहीं। दूसरा चीज है कि ही इज फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, मानो की वस्तु स्थिति से फुल फ्लाइट में भागते रहते हैं।
और तीसरा चीज है कि बेवड़ा इज एन आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव, यानी उसका दिमाग खराब है, कुछ तो दिमागी हालत में खराब है उस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो डॉक्टर एडिक्शन 50,000 अल्कोहलिक्स, यानी मानो कि अमिताभ बच्चन था वो डॉक्टर्स का वो टाइम पर, जिन्होंने 50,000 अल्कोहलिक्स एडिक्स के साथ स्टडी किया था, उन्होंने बोला कि बेवड़े को जीवन का सुर मिलता नहीं है, वो वस्तु स्थिति से भागते रहता है और वो आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव रहता है। अभी क्या है कि हमको ना ये सब एलर्जी ये सब समझ जाता है कि थोड़ा पिया तो और आने दो, ये सब, पर ये आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव, क्या मैं पागल हूं, क्या मैं, मेरा दिमाग में कुछ खराब है, ये सब यू नो बेवड़े को अच्छा नहीं लगता। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शराबियत में मेरा पागलपन क्या होता है। क्या शराबियत में मेरा पागलपन यह है कि 11-12 पैक ठोक के मैं पूरा यू नो अनशन थिंग जो करता हूं, जो पूरा धूम मचा देता हूं मोहल्ले में, घर पे, ऑफिस में, ये है क्या मेरा पागलपन? नहीं, कोई भी आदमी 11-12 पैग अगर पिएगा, पहले तो वो पी नहीं सकता, उल्टी करेगा। कोई भी आदमी 1.5-2 खंबा पिएगा या 2 क्वार्टर पिएगा या 4 क्वार्टर पिएगा, वही चीज करेगा जो चंद्रशेखर करता है, वही बिहेवियर करेगा ना। पहले तो नॉर्मल आदमी उतना पी नहीं सकता है। ये हमारा ड्रिंकिंग अब नॉर्मल है भाई, पर वो पागलपन नहीं है। पागलपन क्या है कि 2 दिन के बाद फुल सोबर होके, 2 दिन पहले मेरे को मालूम है कि भाई कोर्ट में गया था, जेल में गया था, ये सब किया था, अनशन हुआ था, मैंने पूरा इज्जत से प्रॉमिस किया था कि आज से दारू बंद, 2 दिन के बाद मेरा दिमाग चेंज होता है और बोलता है चंद्रशेखर आज ना कल के जैसा नहीं पीना, आज खाली 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे, इज्जत से सो जाएंगे। होता क्या है, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो मेरा पागलपन क्या है कि सोबर, स्टोन कोल्ड सोबर, मेरा दिमाग मेरे को परमिशन देता है कि आज ना जलते हुए स्टोव पे हाथ डाल के आ जा, आज ना थोड़ा सा पी। ये मेरा पागलपन है कि मेरा ही मन खुद को परमिशन देता है। दारू तो खाली बाह्य प्रदर्शन है, दारू तो खाली सिम्टम है। सिम्टम का मतलब क्या है कि मलेरिया अगर हो गया तो शिवरिंग एंड फीवर है, कांपना और बुखार, पर वो बाह्य प्रदर्शन है। उसका कोर इशू और कुछ है, वो फैल्सिपेरम या वाइवैक्स वायरस हो गया है, मच्छर से आया और हमारे अंदर घुस गया, उसके लिए कुछ अलग उपाय है, क्विनाइन टैबलेट या कुछ कुछ लेने का, रेस्ट करने का, समझ रहा है। बाह्य प्रदर्शन क्या है, कैनॉट क्विट, कैनॉट कंट्रोल, देखो इसको बंद भी नहीं कर सकता, कंट्रोल भी नहीं कर सकता, ऐसा आदमी। पर हमारा प्रॉब्लम किधर है? डॉक्टर विलियम डी सिल्सवर्थ बोलता है द प्रॉब्लम ऑफ द एल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड, क्योंकि फुल 2-3 दिन सोबर रह के उसके मन में ख्याल आता है कि आज ना कल के जैसा नहीं पीने का, आज ना 2 साल के जैसा नहीं पीने, कुछ ऐसा एक मेंटल ब्लैंक स्पॉट आता है और वो दारू पीने जाता है। तो बोलता है कि ये अल्कोहलिक के मन में कुछ प्रॉब्लम है, सेंटर्स इन हिज माइंड। तो हमारा बिग बुक क्या बोलता है और ये अल्कोहलिक्स का क्या बोलता है कि बेवड़े लोग कैसे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अभी पहला तो हमारा फर्स्ट स्टेप बोलता है कि हम वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल,
आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल इसका मतलब नहीं है कि यदि मैं पिएगा तो मरेगा. अभी मेरे घर पे डेटॉल है या फिर फिनाइल है, हाँ, वो पिएगा तो मैं मरेगा, पर उसके सामने मैं हतबल नहीं हूं ना, क्योंकि मेरे को चॉइस है. आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माई लाइफ इज बिकम अनमैनेजेबल, इसका मतलब क्या है? चंद्रशेखर, यू विल ड्रिंक एंड यू विल डाई. आपको चॉइस नहीं है. यदि आप बेवड़े हो, यदि आप दारू के सामने हतबल हो, तू पिएगा और तू मरेगा भाई, इसका मतलब है. तेरे मन में कितना भी उठाने, तेरे दिमाग में कुछ तो खराब है. तेरा ही दिमाग तेरे को ही परमिशन देगा कि तू दारू पिएगा और मरेगा. जो बोलते हैं ना, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, चतुर, चाणाक्ष, घोटाले में टाकने वाली, घोटाले में रखने वाली जो अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, चतुर, चाणाक्ष, घोटाले में रखने वाले हमारा दिमाग है भाई. उसी पे हम डिपेंड नहीं कर सकते ना. That's why they say we are powerless over alcohol. पर एक चीज ये बोलता है कि माय लाइफ इज अनमैनेजेबल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि हमारा लाइफ अनमैनेजेबल है क्या. अभी क्या होता है कि बेवड़े को दारू से अलग रखा, फिजिकली अलग रखा, या रिहैब में रखा, या फिर हॉस्पिटल में रखा, और बेवड़ा अगर दारू नहीं पिएगा दो चार दिन, उसके बॉडी में दारू नहीं है, क्या डिजीज उसमें है, क्या मैलडी, क्या आजार उसमें है? हाँ, उसमें है. उसको मन को लगा हुआ आजार. तो ये आजार के आजार को क्या एग्जैक्टली क्या है ये? यानी अल्कोहलिक अगर दारू नहीं पिएगा तो भी उसमें आजार है, तो आजार क्या है? इसको बोलते हैं अनमैनेजेबिलिटी. और वो हमारे बिग बुक पेज 52 सेकंड पैराग्राफ में दिया है. पहला चीज है कि व्यक्तिगत संबंध में हमको प्रॉब्लम रहता है. वी वर हैविंग ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप्स. दूसरा चीज है कि वी कैनॉट कंट्रोल अवर इमोशनल नेचर. का मतलब भावनात्मक परिस्थिति से, यानी हमारा इमोशन ऊपर नीचे कैसा फ्लक्चुएट होता है. तीसरा चीज है कि वी वर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन. यानी कभी भी मिजरी, निराशा, वैफल्य कभी भी हम पे धाड़ कर सकता है. सब ठीक चल रहा है, अभी मैं बहुत डिप्रेस हूं, मिजरी, ये भी जीना कोई जीना नहीं. वी कूडंट मेक अ लिविंग. हमको नौकरी मिल सकती थी पर हम नौकरी निभा नहीं सकते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं. वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस. वी वर फुल ऑफ फियर. हम पूरा भीतिग्रस्त हो चुके हैं. वी वर अनहैप्पी. हम नाखुश थे. बेवड़ा अगर दारू नहीं पिएगा तो नाखुश रहेगा. We couldn't seem to be of real help to other people. अभी ये गौर से मतलब हमारे मन में बहुत प्लान्स है कि बीवी को हेल्प करने का, बच्चे का पढ़ाई लेने का, ऑफिस में अच्छा आदमी बनने का, अच्छा अच्छा काम करने का, यूजफुल रहने का, बट वो करने की हमें पात्रता और क्षमता ही नहीं है. चाहते जरूर है पर होता नहीं हमसे. ये अनमैनेजेबिलिटी है. और जो बोलते हैं बढ़ते जाने वाली बीमारी है, वो विदाउट दारू ये सब चीज बढ़ते जाएगा. यानी कि 2 साल के बाद और फियर, और भीतिग्रस्त, और यूजलेसनेस, और निराशा, और वैफल्य. दारू से अगर लंबा रहेगा
और यही स्टेट में रहेगा तो विदाउट दारू भी तुम, तुम्हारे हाथ में दारू नहीं आएगा। अभी ए मेंबर हो गया दारू नहीं पीने का, दिमाग खराब है। ये सब चीज अंदर घूम रहा है, बाहर पूरा हाँ 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 परमेश्वर की कृपा से सोबर है सबको बोलने का, पर अंदर पूरा खोखला। Cannot make relationship, व्यक्तिगत संबंध में प्रॉब्लम, could not control emotional nature, निराशा, वैफल्य, नाखुशी, भीतिग्रस्त, दूसरे के उपयुक्त होने की क्षमता ही नहीं है। काफी सालों बाद ये बढ़ते जाने वाली वो फेटल प्रोग्रेसिव इनक्योरेबल डिजीज जो बोलते हैं ना, ये है बढ़ते जाने वाली, कभी न ठीक होने वाली और मौत की तरफ धकेलने वाली। थोड़े सालों के बाद हाथ में दारू नहीं आएगा, हाथ में पॉइजन आएगा, क्योंकि कंप्लीटली अनबेरेबल हो जाएगा पूरा माइंड। तो वेयर डज द प्रॉब्लम ऑफ द एल्कोहलिक लाइ? द प्रॉब्लम ऑफ द एल्कोहलिक लाइज इन हिज माइंड। AA बोलता है कि हम फिजिकली सिक है क्योंकि फिजिकल एलर्जी हो चुका है, हम मेंटली सिक है क्योंकि मन को लगा हुआ आजाद है, पर AA बोलता है कि एक और डायमेंशन है, एक और एरिया है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। ये हमारी आध्यात्मिकता भी बेकार हो चुकी है। क्यों? दारू पिएगा तो बीवी के पर्स से पैसे निकालने पड़ते हैं, भगवान का पैसा लेके चोरी करके यहाँ पे जाते हैं, हाँ दूसरों को अनशंड चीज कहते हैं, गॉसिपिंग होता है, ये होता है, वो होता है, ऑफिस में ठीक से काम नहीं करते हैं, तो ये सब यहाँ वहां यू नो अय्याशी करते हैं, ये सब चीज अगर करेंगे इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। यानी आध्यात्मिक विषय, आध्यात्मिक सब्जेक्ट से हम लोग पूरा कंगाल हो चुके हैं क्योंकि हम फिजिकली और मेंटली सिक है। और ए बोलता है अगर आप एक स्पिरिचुअल मार्ग लेंगे, वो मार्ग कौन सा है वो देखेंगे हम लोग, अगर एक स्पिरिचुअल मार्ग लेंगे तो आप फिजिकली और मेंटली ठीक हो जाएंगे। देखो क्या ब्यूटीफुल है। दो गुना आजार लगा है, मेंटल और फिजिकल। ये बोलता है आप एक स्पिरिचुअल मार्ग ले लो, दोनों तरफ से आप ठीक हो जाएंगे, फिजिकल और मेंटल। वाह! और उसका गारंटी देते हैं। तो भी इतना सब सब लोग को समझता है ना, ए मेंबर्स को, मेरे को भी, मेरा भी लाइफ ऐसे ही ये है कि ये सब समझ गया भाई, चंद्रशेखर अच्छा बोलता है ना, ओल्ड टाइमर अच्छे बोलते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो मेरे को बदलाव लाना है और ये विल पावर से मैं बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ कि यहां तक सब बेवड़े लोग सुन पाते। मीटिंग में भी हम बोलते हैं कि बदलाव लाना है भाई, बदलाव लाना है, ठीक से बर्ताव करना है, बिहेवियर शुड बी चेंज। तो मैं विल पावर से बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता हूं। घर पे अगर आ गया तो बीवी को ठीक से ट्रीट करना, उनपे गुस्सा नहीं करना, बच्ची का होमवर्क लेना, उनको मॉल में लेके जाना, वीकेंड में उनके साथ टाइम स्पेंड करना, नौकरी पे अच्छा एम्प्लॉई बनना, ये सब विल पावर के साथ मैं ट्राई करता हूं। एक दिन हो गया ठीक से होता है, दो दिन हो गया ठीक से होता है, तीन चार पांच दिन हो गया ठीक से होता है, पर एक टाइम आता है कि बोलता है यार ये क्या सब है, तो क्या है ये सब क्या है। और यू नो अगर बॉस कुछ बोला कि ए भाई टारगेट नहीं हो गया तेरा, तो खुन्नस। बीवी ने कुछ आज खाना नहीं पकाया या फिर मेरे हिसाब से प्रोग्राम नहीं किया, तो खुन्नस। बच्ची रो रही है या करके, मैं ऑफिस से आ रहा हूं, नल का कुछ लीकेज हो चुका है, ड्रेनेज पाइप से पानी नहीं जा रहा है, यू नो फैन नहीं चल रहा है, एसी बंद हो गया, गाड़ी नहीं चल रही है, ये सब चीज आते हैं ना लाइफ में, प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे छोटे छोटे। मेरा दिमाग आउट,
सडनली एक मन में ख्याल आता है कि चंद्रशेखर 5 दिन अच्छा रहा ना, आज ना वो टाइम के जैसा नहीं पीने, 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे। तो जितना भी आप विल पावर यूज करें, जितना भी आप मन के बल पे विल पावर यूज करें, आपका इंटेंशन ठीक रहेगा कि मैं आज से दारू नहीं पिएगा, मैं अच्छा जिंदगी जिएगा, ये सब करेगा, पर ये असफल होता है। ये क्यों असफल होता है? क्योंकि जो आप फैकल्टी, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं विल पावर अप्लाई करने के, वो ही फॉल्टी है। जो दिमाग आप लगा रहे हैं वो ही फॉल्टी है। द प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक इज इन हिज माइंड, वो ही फॉल्टी है ना। तो जितना भी आप फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से जोर लगाएंगे, आपका नतीजा बेकार निकलेगा। वही हमारे साथ होता है कि जितना भी विल पावर अप्लाई करो, आप उससे ठीक नहीं हो सकेंगे। मैं भी ट्राई किया था, विल पावर से मीटिंग जाता था, विल पावर से ठीक होना चाहता था, विल पावर से हाँ 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 करके अच्छा बोलता था, विल पावर से बीवी के साथ अच्छा बर्ताव, इसके साथ सब अच्छा, ये और दिमाग के प्रेशर, ये भी जीना, कोई जीना है तो वो असफल क्यों रहता है? क्योंकि ये मन को लगा हुआ आधार है। इसलिए ये बोलता है कि आपको एक खुद से भी उच्च शक्ति मिलनी मांगती है। यू नीड अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। तो 3 pertinent आइडियाज आते हैं ना, रोज हम पढ़ते हैं हाउ इट वर्क्स। वी वर अल्कोहलिक्स एंड कुड नॉट लीड अवर ओन लाइव्स। हम बेवड़े हैं और हमारा पूरा अनमैनेजेबल हो गया है। नो ह्यूमन पावर कैन सेट अस फ्री। हमारे पास ह्यूमन पावर है नहीं कि सेट अस फ्री करे। गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सॉट। यदि परमेश्वर को आपने सीख किया, परमेश्वर से आपका रिलेशनशिप बना दिया, तो आपको हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब क्या, ए मीटिंग में आने का, बोलने का परमेश्वर की कृपा में सोबर है, सब हाँ हाँ हाँ, सबसे ठीक बोलने का, चाय पीने का, घर पे जाने का, अच्छा बर्ताव करने का, और फिर डायरेक्ट मंदिर में जंप करने का, बड़ा बड़ा टीका रहने का, भजन करने का, ये सब है क्या? इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। हम बेवड़े हैं, हम भगवान के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो ये बोलता है इसमें सरल, सिंपल, इजी, सॉफ्टर पाथ है। आपको अगर चाहिए तो थरो है ना, अगर आप अल्कोहलिक है वो ठान ली, तो एक सिंपल, सॉफ्टर, इजी पाथ मार्ग दिया है, और वो है 12 पैरी का कार्यक्रम। अब ये 12 पैरी का कार्यक्रम, इसका प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद से बना नहीं सकते ये 12 पाई। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये मनोविरुद्ध कार्यक्रम है। 12 पायरी में अपने अपने डिफेक्ट ढूंढना चाहिए, हम कैसा बर्ताव करते हैं वो सब करना है। वो एग्जैक्ट मार्ग दिया है, पेन ले लो, पेपर पे लिखो, किससे किससे कफा है, किससे किससे खुन्नस है, किससे किससे क्या है, फियर्स का लिस्ट ले लो, वो सब। प्रॉब्लम क्या है कि अ सिक माइंड कैन नॉट क्योर इटसेल्फ। तो तुम खुद से बनाएगा तो नतीजा बेकार निकलेगा। इसलिए यहां पे बोलता है कि स्पॉन्सर का जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर का मतलब है सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर स्टेप्स ऑन रिकवरी। फुल स्पॉन्सर यानी कुछ पैसे का ये नहीं है, और इसमें कुछ मनी एक्सचेंज नहीं होता है स्पॉन्सर। इनफैक्ट ए मेंबर्स में मनी एक्सचेंज नहीं होता है। That's a strict no-no. You should not. पर स्पॉन्सर क्यों जरूरी है? और स्पॉन्सर ऐसा ले लो जो स्टेप्स करके उनको आध्यात्मिक अनुभव हो चुका है, ताकि वो आपको स्टेप्स बिग बुक के साथ के थ्रू वर्ड बाय वर्ड लेके जाए, उसको मार्ग की तरफ करें, और आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको एक आध्यात्मिक अनुभव होगा।
आध्यात्मिक अनुभव का मतलब क्या है, आपका दिमाग चेंज होएगा, साइकिक चेंज होएगा, दिमाग चेंज हो गया तो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज रहेगा। वही चंद्रशेखर जो भीतिग्रस्त, व्यक्तिगत संबंध में प्रॉब्लम, निराशा, वैफल्य, कभी खुशी कभी गम, इमोशनल डामाडोल, यूजलेसनेस, वही जो था वो एक प्रोग्रेसिव इंप्रूविंग पर्सनैलिटी निकलेगा, हैप्पी, जॉयस, फ्री, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल, लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, दूसरों का पेन, दूसरों का खुशी में बांट सकता है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बन सकता है ये अगर स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप्स किए तो। और उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए। अभी क्या है कि दूसरा चैप्टर हमारा बिल स्टोरी का, बिल की कथा, हम सबको बोलते हैं कि वी इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस वी से हाउ वी वेयर, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज नाउ, यू नो हाउ वी आर नाउ, हम कैसे थे, क्या हुआ और हम अब कैसे हैं। और बोलते हैं कि एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप हम इस पे बांटते हैं। व्हाट वी हैव टू शेयर इज अवर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव। मैं कैसा था, बिल का स्टोरी देखो, वो स्टॉक मार्केट में गैम्बल करता था, ये करता था, दूसरों का पैसा लेके सट्टा मार्केट में डालता था, बीवी का पर्स चोरी करता था, घर पे पड़ा हुआ पीके रहता था, बीवी पूरा काम करती थी, ये सब उसका स्टोरी। हाउ वी वेयर, व्हाट हैपेंड, व्हाइट फ्लैश एक्सपीरियंस इन चार्ली टाउन स्टेट हॉस्पिटल, आध्यात्मिक अनुभव, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के स्टेप्स लेके, एबी थैचर उसका स्पॉन्सर था ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, एंड हाउ ही इज राइट नाउ, उसका स्टोरी लास्ट में आप पढ़ो, आर हेवनली फादर ऑफ लाइट हु इज प्रिसाइडिंग ओवर ऑल ऑफ अस, पूरा सर्विस में घुस जाता है, दूसरे लोगों को बांटता है। देखो अगर एबी और बिल थैचर उसका किचन टेबल पे नहीं मिलते थे तो हम लोग ये बात ही नहीं कर पाते थे ना, ये तो रहता ही नहीं था। How he was, what happened, like spiritual experience happened, and how he is right now. ये जानना बहुत जरूरी है। What is a profound personality change? बहुत सारे चीजें हैं दोस्तों, हम आसानी से लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जीवन का सुर वापस मिल जाता है। इस लम्हे में ही, क्षण में मैं कैसे खुशी छीन लूं, ये पूरा महसूस हो जाता है। अच्छे वैल्यू, अच्छे संस्कार कैसे जीने का है, वो पता नहीं कहां से मन में आ जाते, एक प्रकार का एक कॉन्शियसनेस आ जाता है। और मेडिटेशन में ये बढ़ते रहता है कि मैं और कैसे कंट्रीब्यूट करूं लाइफ, हमारे फैमिली में अच्छे कैसे करूं, सोसाइटी में अच्छा कैसे करूं। पूरा ये जो बेवड़ा एक सेल्फिश पर्सनालिटी जो रहता है, मेरा प्रॉब्लम, मेरा ये, मेरा सेक्स, मेरा सिक्योरिटी, मेरा सोशल इंस्टिंक्ट, वो ऐसा क्यों कहा, ये वो, पूरा एक फुल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज कैसे हो जाता है, क्या होता है, जैसे कि मानो कि बदल गया, कंप्लीटली बदल गया। इसलिए ये प्रोग्राम भगवान का दिया हुआ प्रोग्राम है दोस्तों, ये जो 12 स्टेप है आपको भगवत गीता में मिलेंगे, आपको सर्मन ऑन द माउंट जो बाइबल का एक्सट्रैक्ट है उसमें मिलेंगे, आपको बुद्धाज एट फोल्ड पाथ में मिलेंगे, हर जगह एक्सपीरियंस इज सेम, इट इज अ पाथ टू रीच गॉड। तो हमको भगवान पे जंप नहीं करना है, हमको खाली स्टेप्स पे रहना है, और ये स्टेप्स में चलते चलते भगवान आपको प्रूव करेगा कि मैं है तेरे लिए। यू विल सडनली रियलाइज दैट गॉड इज डूइंग फॉर यू व्हाट यू कैन नॉट डू फॉर योरसेल्फ। अभी क्या है, इस पे भगवान का हाथ है, कब बोलते हैं, जो भी अपने से अधिक
कैपेसिटी से कुछ करा, उसको बोलते हैं भगवान का हाथ है। यानी कि मानो एक 5 साल का बच्चा आ गया सामने और पूरा सडनली ऐसा कर्नाटक म्यूजिक, यू नो, एमएस सुब्बलक्ष्मी के जैसा पूरा विष्णु सहस्र रमन बात किया, पूरा पूरा फुल रिसाइट किया आपके सामने, या फिर कुछ शेक्सपियर के प्लेस पूरे रिसाइट किए, सब लोग बोलेंगे यार एक छोटा 5 साल का बच्चा ऐसे कर सकता है। तो जो भी अपनी क्षमता से ज्यादा हो, बोलते हैं कि बॉय इस पे भगवान का हाथ है, दिस इज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। तो ये जो बेवड़ा 18 साल में ऐसा कर रहा था, वो एक पेन पेपर पेंसिल लेके और बिग बुक लेके जिसका फट गया था, मेंटल हॉस्पिटल में गया था, रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया था पूरा वो, फिर उसको बाहर निकाल के जब थोड़ा टाइम दारू के बाहर लंबा 72 3-4 दिन रहने के बाद स्पॉन्सर के पास गया, स्पॉन्सर के साथ बिग बुक बोला और बोला तेरे को जीना है तो तेरे को ये आध्यात्मिक अनुभव लेना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके आओ भाई। इतना फट गया था मेरा कि मालूम था कि मैं मरने वाला हूँ, कैची में फंस गया है मालूम था, अभी बाहर नहीं निकलने का तो वो मालूम था, रॉक बॉटम। स्पॉन्सर के साथ गया, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किया, एक रिजल्ट आया, क्या? आध्यात्मिक अनुभव। उसके बाद मेरे ऑफिस वाले लोग मेरे से बात करने लगे और उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर तू अलग है रे, अलग हो गया, कुछ तो अलग हो गया, अच्छा लगा मुझे। मेरी बीवी आके मेरे को बोलती थी चंद्रशेखर यू हैव चेंज्ड। हाँ, मेरे भाई बहन, मेरे पिताजी, माँ, पूरा एक नजदीकी आने लगा और मेरे को पता चला कि जो मैं बोलता था ना ये जिंदगी, वो पहले का जो गुरुदत्त ना, जाने वो कैसे दो पूरा दुनिया जला दो ये बेकार जिंदगी, हाँ, जाम में डूब रही है सारी जीवन में हर बात, वो पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। आई केम टू नो दैट द वर्ल्ड इज अ वेरी लविंग प्लेस, दुनिया और दुनिया के वासी जो रहते हैं, ऑल द पीपल, ऑल द फ्रेंड्स, ऑल दिस थिंग, वो जेन्युइनली मेरे को चाहते हैं, जेन्युइनली मेरे से बात करते हैं। ये पूरा चेंज हो गया दोस्तों, मेरा आउटलुक चेंज हो गया। ये विल पावर के साथ नहीं हुआ, ये स्टेप्स करने से हो गया, क्योंकि विल पावर तो इस पे यूज ही नहीं कर सकता ना मैं, खुद से मैं खुद को बदलाव अगर ले सकता था तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे जरूरत नहीं है, तुम खुद से बदलाव करो और फिर दारू से लंबा रहो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग ये सब सुनते हैं पर कोई स्टेप्स करता नहीं है, जो जो स्टेप्स नहीं करेंगे थरोली वो मरेंगे बॉस, या फिर खुशी से जीवन जिंदगी नहीं जिएंगे। स्टेप्स क्या देता है कि और बढ़िया चंद्रशेखर, अगले दिन और बढ़िया चंद्रशेखर, अगले दिन और बढ़िया चंद्रशेखर, ये आपको एक इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है और दारू का प्रॉब्लम मानो निकल ही जाता है। The obsession will be lifted. जो भी होवे लाइफ में, दारू का ऑब्सेशन नहीं है। तो अभी समराइज करता हूं, जो भी मैंने बोला, अगर मैं आपको चाय का रेसिपी सुना रहा था, इंस्ट्रक्शन मैनुअल टू मेक टी, अगर मैंने आपको दिया था कि चाय कैसे बनाने का, आपको सब पूरा पूरा उसका साइंस समझा दिया, तो चाय नहीं बनेगी। सुन के चाय नहीं बनती है, बोल के चाय नहीं बनती है, पढ़ के चाय नहीं बनती है। चाय कब बनती है? जब आप एक्शन में लाएंगे, तपेला लोगे, पानी डालोगे, उसमें चाय का पत्ती डालोगे, बॉईल करोगे ना, तो इंस्ट्रक्शन लेके किसी टीचर या स्पॉन्सर के साथ आप अगर करोगे तो फिर चाय बनेगी। वैसे ही मैं जो भी बोला सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हाँ भाई बढ़िया प्रोग्राम,
उसी के बारे में बात करते रहेंगे, बात करके कोई किसी को रिकवरी नहीं मिली है, सोब्राइटी नहीं मिली। रिकवरी चाहिए, स्पॉन्सर ले लो, पहला चीज प्रार्थना चालू करो, प्रार्थना चालू करो, एक स्पॉन्सर ले लो, स्पॉन्सर ऐसा ले लो जिसका स्पॉन्सर है और वो आध्यात्मिक अनुभव हो चुका है बिग बुक की जानकारी के दरमियान। स्टेप्स करो और स्टेप बाय स्टेप बिग बुक लेके स्टेप्स करो स्पॉन्सर के साथ, अब देखो उसके बाद क्या होगा। आज मेरे को लगता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैं अल्कोहलिक बन गया और ये प्रोग्राम में आ गया और मेरे को ये भगवान के नजदीक नजदीक जाने का, यही जिंदगी में मेरे को लाइफ, मेरे को एक चांस मिला। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने की। जब मैं बात करता हूँ कोई दिमाग में प्लानिंग नहीं रहता है, सो थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है, अगर कुछ मैंने गलत गलत बोला तो वो इंटेंशन नहीं था, मेरे को माफ कर दो। और एक चीज है कि अगर ये आपको बिग बुक में मिले तो प्लीज मैं विनती करता हूँ कि आप ये इसको अमल में लाओ, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है। थैंक यू दोस्तों।